नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, हम लोग हमेशा की तरह यहाँ पर जीके जीएस का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 है। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट, यहाँ पर हम लोगों ने फुल प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पर हिंदी फुल टेस्ट और आपका यहाँ पर जीके जीएस का फुल टेस्ट कराया जाता है, तो आपके लिए जो प्रश्न होते हैं बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मुलायम जो लकड़ी आपकी मिलती है या आपका जो क्षेत्र होता है वो आपका कौन सा क्षेत्र है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, अर्थात आपका शीत अर्थात शीतोष्ण प्रदेश, जो आपका कह सकते हैं कि आपका ये कह सकते हैं ग्लोब है। यहाँ पर आपसे भूमध्य रेखा जाती है, यहाँ पर आपकी जो कह सकते हैं कि 66.5 वाली रेखाएं होती हैं, तो इनके जो बीच वाली रेखा होती है आपका कह सकते हैं कि आप किस में आती है, शीत आपकी ये ऊपर की हो गई और बीच में होती है शीतोष्ण। तीन वाले एरियो में पाए जाने वाले जो भी आपके वृक्ष होते हैं वो आपकी मुलायम लकड़ी के होते हैं। मुलायम लकड़ी की अगर बात करें तो किस प्रकार के आपके, तो आपके इसमें देखा जाए तो आपके बहुमूल्य आपके होते हैं, जैसे आपके ऐस हो गया, अखरोट हो गया, भोजपत्र हो गया, आदि वृक्ष आपके इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि आप लोग यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि मानसून प्रदेश जो होते हैं तो मानसून प्रदेशों में कैसे वृक्ष होते हैं, तो इसमें भी आपके जैसे आपके मान लो सागौन हो गया, शीशम हो गया, रबड़ हो गया, सिनकोना हो गया, महुआ हो गया आदि मिलते हैं। और भूमध्य रेखी वन जो होते हैं वहाँ पर आपके जैतून की, अंजीर की, शहतूत आदि की मतलब कि आपके जो पौधे वहाँ पर मिलते हैं। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है, तो ये परियोजना आपकी है आपके ऑप्शन राइट आपके ए आपके कह सकते हैं कृष्णा नदी पर। ठीक है, कहाँ पर, कृष्णा नदी पर। वहीं पर अगर बात करें कि आपकी जो गोदावरी नदी है तो गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना है, तो आपकी ये परियोजना है आपकी पोच पाद परियोजना। ठीक है, पोच पाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। ठीक है ना। अगर बात करें आपकी कावेरी नदी पर, ठीक है, कावेरी नदी पर, तो कावेरी नदी पर भी आपको यहाँ पर मिल जाती है शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना आपकी मिलती है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी ढेर सारे आपके परियोजनाएं हैं, वो परियोजना वाले आपके वीडियो में आपको देखने को मिला होगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर, भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पत्तन प्राकृतिक पत्तन नहीं है। प्राकृतिक पत्तन नहीं है, तो आप सबको पता है कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह और आपके कह सकते हैं 185 छोटे व मंझले आपके बंदरगाह हैं, जिसमें से देखा जाए कि आपका जो पत्तन है प्राकृतिक नहीं है, वो आपका कौन था, डी नंबर आपका चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह आपका कह सकते हैं कि आपका प्राकृतिक बंदरगाह आपका पत्तन ये नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो आपका मुंबई है। अगर देश पूछा जाए कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, तो भी आपका कौन हो जाएगा, आपका बंबई मतलब मुंबई। ठीक है ना। अगर पूछा जाए सबसे गहरा बंदरगाह, तो आपका विशाखापट्टनम। ठीक है ना। अगर पूछा जाए जौरी बंदरगाह, तो आपका गुजरात का कांडला बंदरगाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका आइसलैंड है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ये आपका सबसे बड़ा आपका है। यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर आइसलैंड अर्थात आप लोग को पता है कि आपका ग्रीनलैंड। ठीक है ना, आइसलैंड यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है। तो आपकी एशिया में जो जनसंख्या है वो आपकी 2/3 अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, यूएनओ का वर्तमान सचिव निम्न से संबंधित है। तो ऑप्शन के अनुसार जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के। अगर दक्षिण कोरिया के हैं तो कौन थे आपके, तो वान की मून। ठीक है, वान की मून। अगर बात आई यहाँ पर यूएनओ से, तो यूएनओ से क्वेश्चन क्या होता है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए
लिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। साथ में यूएनओ को मुख्यालय पूछ लेता है तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर पूछे एक क्वेश्चन यहाँ से होता है कि यूएनओ या कह सकते हैं यहाँ से होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम महासचिव था वो आपका त्रिवेली थी, जो कि नॉर्वे के थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, त्रिवेली, जो आपके नॉर्वे के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे कि कुटजल किस देश की मुद्रा है, कुटजल किस देश की मुद्रा है, यह आपकी ग्वाटेमाला की है, ठीक है, कहाँ पर है, ग्वाटेमाला की। दूसरा आपका अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो आपकी अर्जेंटीनो है। साथ में आपकी जो मुद्रा है कौन सी, यहाँ पर आपकी कोलंबिया, तो कोलंबिया की आपकी पीसो है। और आपके यहाँ पर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की पाउंड है, ठीक है ना, पाउंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत जो अनुपात होता है, यहाँ पर औसत की बात कर दिया है, एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आपको जो राइट आंसर लगाना होगा वो आपको यहाँ पर लगाना होगा ए नंबर, आपका 1:500, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं रुधिर की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया कहाँ से होती है, भ्रूण के मीलोडर्म से होती है। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर तक आपका रुधिर पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है ना। साथ में अगर देखा जाए कि मानव शरीर के रुधिर की जो मात्रा होती है शरीर के बाहर की 7% होती है, ठीक है। और यहाँ पर प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा रुधिर का लगभग 55 से 60% होता है। प्लाज्मा में जो जल होता है वो आपका 90% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कान की अस्थियों की कुल संख्या बताइए। तो कान में जो आपकी हड्डियां होती हैं आपकी 6 होती हैं, जिसमें से सबसे छोटी बॉडी की कान में ही होती है हड्डी, स्टेप्स हड्डी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात करें कि कान के बाद आपकी जैसे मान लीजिए पसली हो गई, तो पसली की 24 होती हैं, ठीक है। कपाल की आपकी जो कह सकते हैं कि 8 होती हैं। कुल हड्डियाँ आपकी होती हैं 206 होती हैं। और बाल्यावस्था या कह सकते हैं जो छोटी बिल्कुल अल्पावस्था होती है उस समय आपकी 300 होती है। और अगर बात करें सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी आपकी जांघ की होती है, जो कि आपकी कह सकते हैं आपके फीमर उसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जॉन ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उसने आनुवंशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे, किस पर प्रयोग किए थे, तो ये प्रयोग किए थे आपके यहाँ पर ऑप्शन राइट आपके सी, मटर का पौधा, ठीक है, मटर के पौधे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गुणसूत्र के उस युगल को जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है, अन्य गुणसूत्रों को कहते हैं, तो अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं यहाँ पर अलिंग सूत्र, ठीक है, क्या बोलते हैं, अलिंग अर्थात उसे ऑटोजोन बोलते हैं, ठीक है, ऑटोजोन बोलते हैं। और सबको पता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आपकी कितनी होती है, 46 होती है, ठीक है ना। और मनुष्य एक लिंगी जीव है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, एक लिंगी जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 12 नंबर के आपसे, लिटमस निम्न से मिलता है, लिटमस निम्न से मिलता है, लिटमस आपका जो मिलता है वो आपके ऑप्शन राइट आपके डी से, आपके लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आपसे, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक इनमें से कौन सी है, तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष आपकी पर्यटक थी आपकी कौन थी, यहां पर आपकी 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य का है, तो आपका जो पहला स्थान आपका है वो आपके ऑप्शन राइट आपका बी, आपके तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का पहला स्थान है। और वहीं पर अगर बात करें अभ्रक, जो कि भारत है, जो कि झारखंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, रबड़ का उत्पादन आपके केरल में आपका होता है, टंगस्टन राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, और थोरियम सबसे ज्यादा आपके केरल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल मैच कहाँ संपन्न हुआ था, सबको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। फाइनल मैच की यहाँ पर बात कर रहा है, तो फाइनल मैच आपका हुआ था ऑप्शन राइट आपका सी, आपके वानखेड़े मुंबई में हुआ था। बात आई है क्रिकेट से, तो क्रिकेट से क्वेश्चन आपको होता है कि जन्मदाता किसे बोलते हैं, तो इंग्लैंड को मानते हैं। अगर बात करें क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच आपका हुआ था, वो आपका हुआ था 1877 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच आपके मेलबर्न में खेला गया था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच जो आपके 1971 ईस्वी में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और क्रिकेट का पहला विश्व कप आपके 1975 में इंग्लैंड में खेला गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? ये सेवा है आपके ऑप्शन राइट आपके बी कुवैत की है, ठीक है। कहाँ पर है? कुवैत की। आपकी कौन सी है? जजीरा एयरवेज है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, उवाला निम्नलिखित में से किस अपरदन कारक का प्रतिफल है? उवाला ये है आपके ऑप्शन राइट आपके ए भूमिगत जल से, ठीक है, भूमिगत जल से है। और नेक्स्ट उवाला मतलब समझते हो, जैसे मान लो उदाहरण देते हैं कुआं हो गया, गीजर हो गया, डोलाइन हो गया, लैपीज हो गया, ये आपकी इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में रेल मार्ग नहीं है? रेल मार्ग नहीं है तो आपके अफ्रीका देश है आपका नाइजर, ठीक है। कौन है आपका? नाइजर में आपका यहाँ पर रेल मार्ग नहीं है। और विश्व में सबसे बड़ा रेलवे तंत्र वाला आपका देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो भारत में प्रथम रेल चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में चली थी डलहौजी के समय बम्बई से थाड़े तक 34 किलोमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हिंदू धर्म गुरु को सम्राट अकबर के इबादत खाने में बुलाया गया था? ठीक, किसे बुलाया गया था? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देख सकते हैं, वहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहला प्रयास है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, किस्वतवार शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस्वतवार शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है भाई? आपके चार ऑप्शन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी आपके झेलम, ठीक है। कहाँ पर? आपके झेलम नदी पर है, ठीक है। और अगर बात करें फिरोजपुर, ठीक है, फिरोजपुर का नाम सुने होंगे जो सतलज नदी के किनारे हैं। लखनऊ जानते होंगे गोमती नदी के किनारे, ठीक है ना। बरेली आपके रामगंगा के नदी के किनारे, ठीक है। कोटा पूछ लेता है तो कोटा आपका चंबल में है, उज्जैन छिपरागढ़ में है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र में है, दिल्ली यमुना अयोध्या सरयू कोलकाता हुगली, मतलब कई क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सैद्धांतिक मतभेद क्या है? सैद्धांतिक मतभेद आपका यहां पर कह सकते हैं अष्टांग मार्ग का अनुसरण, ये आपके यहां पर कह सकते हैं मतभेद है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि कार्बोरंडम है, तो यहां पर कार्बोरंडम जो आपका है, ये आपका है क्या यहां पर? तो आपका यहां पर कह सकते हैं आपका 22 का ऑप्शन राइट आपके यहां पर जो हो जाएगा वो आपका यहां पर सी सिलिकॉन कार्बाइड है। क्या है आपका? कार्बोरंडम क्या है आपका? सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है। 22 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत के भंग होने की अवस्था में चुनाव अनिवार्य रूप से जो होते हैं वो अवधि कितने अवधि में होते हैं? तो आपके ये जो चुनाव होते हैं वो आपके होते हैं 6 माह में, ठीक है, 6 माह में। नेक्स्ट कर आपसे, दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी? तो दूरदर्शन पर पहली बार टेली फिल्म दिखाई गई थी, ये दिखाई गई थी आपके ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर जो ए हो जाएगा सदगति, ठीक है। दूरदर्शन पर पहली टेली फिल्म जो थी वो सदगति थी, 13 अप्रैल आपके 1987 को दिखाई गई थी, जिसके निर्देशक थे आपके सत्यजीत रे थे, ठीक है, सत्यजीत रे थे। अगर बात करें प्रथम स्वदेशी फिल्म अगर थी वो आपकी राजा हरिश्चंद्र के निर्माता आपके दादा साहब फाल्के थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का चलाए थे आपकी यहाँ पर राइट आंसर आपका सी शेरशाह सूरी, ठीक है ना। शेरशाह सूरी चांदी के सिक्का यहाँ पर चलाए थे। और शेरशाह सूरी ने यहाँ पर कह सकते हैं कि 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजय कर सूरवंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध भाई कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका 6 मई 1529 को, ठीक है, 6 मई 1529 को। किसके बीच? तो बाबर एवं महमूद लोदी के बीच, जो कि ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कर आपसे, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम लगाया थे किसने? फिरोज तुगलक ने लगाया था, ठीक है, फिरोज तुगलक, जो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर ही रखे थे, आपका खराज, खुम्स और आपका जजिया एवं जकात, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष का दर्जा किसके समकक्ष होता है, अर्थात जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो दर्जा किसके बराबर आपका होता है। तो सबको पहले पॉइंट ये पता होना चाहिए कि योजना आयोग अब इस समय समाप्त हो गया है, ठीक है, नीति आयोग आ गया है। और योजना आयोग की अगर बात करें तो योजना आयोग जो आपकी है वो एक कह सकते हैं कि आपकी संवैधानिक निकाय नहीं थी, ठीक है, मतलब संविधान में इसका वर्णन नहीं है, ठीक है। और योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो 15 मार्च आपके 1950 को की गई थी, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। तो यहाँ पर आपका योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो दर्जा जो होता है किसके समकक्ष होता है ये पूछा है, तो आपके कैबिनेट मंत्री अर्थात कैबिनेट मंत्री के जो स्तर के लोग होते हैं उनके बराबर आपका दर्जा होता है। नेक्स्ट कर आपसे सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना था, ये कब बना था, बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछा गया है और कोई भी एग्जाम ऐसा हो जहाँ पर ये जरूर देखने को मिल जाता है। तो सिक्किम भारत का जो एक पूर्ण राज्य बना था वो बना था आपके ऑप्शन राइट आपके सी 36वें संविधान संशोधन के कह सकते हैं कि संशोधन के अंतर्गत, ठीक है, 36वां कब हुआ था तो 1975 के अंतर्गत सिक्किम आपका 22वां राज्य बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, तो सिंपल बात है आपका जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा है, तो यहीं पर सबके आपकी सबसे ज़्यादा भी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, योजना पत्रिका का प्रकाशन जो होता है वो आपके कहाँ से होता है, तो ये होता है आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू की गई थी, तो दशमलव मुद्रा लागू की गई थी आपकी 1957 से, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, इसे भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति लाई गई थी 1957 से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गोल क्रिम या इसे हम लोग निमेटोडा के नाम से जानते हैं जो कि एक रोग है, ये रोग किस प्रकार का रोग है, तो ये है आपका कह सकते हैं फाइलेरिया रोग है, ठीक है ना। आपका जो फाइलेरिया होता है इसे गोल क्रम या निमेटेडिट के नाम से जानते हैं। एक होता है हैजा का नाम सुने होंगे, ठीक है, तो हैजा का जो होता है वो आपका होता है विब्रियो कोलेरी होता है, रेबीज का होता है रैबडो वायरस होता है, ठीक है ना। चेचक होता है उसका वो आपका होता है वैरियोला वायरस होता है, ठीक है। एथलीट फुट नाम सुने होंगे वो आपके टीनिया पेडिस से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा कंफ्यूज करता है, पीतल मिश्रण है तो पीतल जो मिश्रण है वो किस किस का होता है, तो पीतल मिश्रण है किसका मिश्रण है, तो आपको ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी जस्ता और तांबे का। नेक्स्ट कह रहे आपसे यहाँ पर मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो ये होता है आपकी छोटी आंत में, ठीक है, कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप सर्वाधिक 4 बार जीता है, फुटबॉल कप जो जीता है सबसे ज़्यादा आपके जीता है वो आपके किसने, मतलब 4 बार किसने जीता है, तो ये जीते हैं आपकी ब्राज़ील ने, ठीक है, 4 बार की बात किया है तो आपके ब्राज़ील ने फुटबॉल विश्व कप सर्वाधिक बार 58 में जीता था, 62 में जीता है, 70 में जीता है, 94 में जीता है, 5वीं बार आपका 2002 में भी जीता है। इस प्रकार से ब्राज़ील आपकी 5 बार जीत चुकी है, इनमें से सर्वाधिक बार आपकी यहाँ पर ब्राज़ील ही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा आपसे भारत ने हॉकी में सप्तम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था, हॉकी में, तो हॉकी में कब जीते थे, तो आपके जो कह सकते हैं एम्स्टर्डम इंग्लैंड या हॉलैंड में हुए थे, ठीक है, एम्स्टर्डम आपका जो हॉलैंड में वहाँ पर पड़ता है, 1928 को हुए थे, ठीक है, 1928 को नवा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था आपके कह सकते हैं आपके भारत में प्रथम ओलंपिक में जो हॉकी में जीता गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के लिए जो आपका भाषण तैयार करता है वो आपका कौन तैयार करता है, ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए। तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपके राष्ट्रपति का जो भाषण तैयार करते हैं वो संसद के लिगुत द्वारा होता है, लेकिन जो बहुमति होती है वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि उनके अंदर जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर राष्ट्रपति का भाषण आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, कि निम्नलिखित में नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है, एकल नृत्य होता है,
ये आपका किस में होता है? तो मोहिनी अट्टम में होता है। याद रखिए मोहिनी अट्टम जो कि एक एकल नृत्य है, यह केरल में प्रचलित आपका देवासी परंपरा का नृत्य है। और इसके कलाकार भी पूछ लेता है, जैसे कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी, श्री देवी भी आपके इसके कह सकते हैं। ठीक है ना, आपका कहाँ पर कह सकते हैं? तो आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ था, तो आपकी कौन थी? तो आपके कार्यकाल में निधन होने वाले आपके थे, ऑप्शन राइट आपके वी, आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो निधन हुआ था उनके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो वीवी गिर से क्वेश्चन आपके होंगे वो क्या बन जाते हैं वीवी गिर से? तो वीवी गिर आपके चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, चौथे राष्ट्रपति थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो शहीद दिवस मनाते हैं आपके 30 जनवरी को, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, युवा दिवस की बात करें तो युवा दिवस आपको मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं आपके 8 मार्च को। ठीक है ना, और अगर बात करें 8 मई की तो 8 मई को क्या मनाते हैं? 8 मई को मनाते हैं विश्व प्राणी पक्षी दिवस। ठीक है ना, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, फिर आपसे माई डेज पुस्तक का लेखक कौन है? माई डेज का पुस्तक जो लेखक है वो आपकी कौन है? तो आपके ए हैं आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण। नेक्स्ट कर आपसे गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध जो शुरुआत की थी शिवाजी ने किया था। ठीक है, शिवाजी ने किया था, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। शिवाजी ने जिनका जो जन्म हुआ था वो आपका 1627 भी तथा मृत्यु आपकी 1680 में हो चुकी थी। ठीक है, उनके पिता का नाम साजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक नाम बताइए। खाने के सोडा का रासायनिक नाम या बेकिंग सोडा जो होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। जो खाने का सोडा होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट सी ओ थ्री। ठीक है, Na2HCO3। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ से नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो भारी पानी का जो प्रयोग होता है वो आपकी विबंधक या कह सकते हैं मॉडरेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ से सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? तो सिनेबार जो अयस्क है वो आपका है ऑप्शन राइट आपका डी, आपके पारा का है। ठीक है, सिनेबार किसका है? पारा का है। और कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम के अयस्क होते हैं यहाँ पर जो आपके कैल्शियम के भी आपके अयस्क, मतलब जैसे आपका हो गया डोलोमाइट, कैल्सेलाइट। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहे आपसे बंकिम चंद चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संवादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो आपकी ये जो बंकिम चंद चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित की गई थी इस पत्रिका का नाम है ऑप्शन आपका सी, बंग दर्शन। क्या है आपका? बंग दर्शन है। ठीक है ना, बंग दर्शन है। और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे निम्नलिखित में से विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन है? विशिष्ट द्वैतवाद, तो विशिष्ट द्वैतवाद की जो आपके हैं वो आपके यहाँ पर प्रतिपादक हैं 48 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो रामानुजाचार, ऑप्शन राइट आपका 48 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर वल्लभाचार्य हैं, तो वल्लभाचार्य से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है कि वल्लभाचार्य किससे संबंधित थे? तो वल्लभाचार्य आपके यहाँ पर कह सकते हैं जिनमें शुद्धावाद, बल किसमें आएगा? शुद्धावाद हो जाएगा। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर मतलब कि वल्लभाचार्य शुद्धावाद होता है। विशिष्ट द्वैतवाद आपके रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? जुलाहा कौन था आप सबको पता होगा पर, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, आपके कबीर थे। ठीक है ना, कौन थे? कबीर थे। नेक्स्ट कह रहे आपसे सितार और वीणा पर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें निम्नलिखित दृष्टि से अंतर होता था। जो सितार होता है और वीणा होता है, अगर एक ही स्वर बजाने पर भी उनमें से हम लोग दृष्टि का अंतर कर लेते हैं, यह अंतर हम लोग किस कारण से कर पाते हैं? तो ये कर पाते हैं उनकी गुणवत्ता पर। ठीक है ना, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 50 प्रश्न आपने यहाँ पर देखा है, आंसर आपके यहाँ पर दिए हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चन हमने पूछा है तो आपसे यहाँ पर आशा करेंगे कि आप लोग यहाँ पर जवाब सही देंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।